हिंदुस्तानी भाव ने बताया कि बिग बॉस 13 के व्हाट्सएप ग्रुप में आसिम को क्यों ऐड नहीं किया। बिग बॉस 13 हर मायने में सुपरहिट साबित हुआ। शो का हर कंटेस्टेंट जबरदस्त था और गेम खेलने में माहिर। ऐसे में शो के दौरान तो लोगों ने इन कंटेस्टेंट को प्यार दिया ही, बाहर आने के बाद भी लोग इन्हें पसंद कर रहे हैं। बिग बॉस 13 के कंटेस्टेंट रहे, हिंदुस्तानी भाव ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जहाँ सीजन 13 के कंटेस्टेंट साथ में है। अब वैसे तो बिग बॉस के घर में हिंदुस्तानी भाव के सभी के साथ अच्छे रिश्ते थे, लेकिन फिर भी उनके इस ग्रुप में कई नाम मिसिंग है, वो भी ऐसे नाम जिनके बिना बिग बॉस 13 की कल्पना करना ही मुश्किल है। कुछ दिन पहले सेफाली जेरीवाला ने टेली चक्कर को बताया था कि इस बिग बॉस ग्रुप में आसिम रियाल को जगह नहीं दी गई। अब आसिम के फैंस के लिए तो दुख की बात है, लेकिन हिंदुस्तानी भाव को इसमें कुछ भी बड़ा नजर नहीं आता। वेब पोर्टल से बातचीत में हिंदुस्तानी भाव ने बताया कि इस ग्रुप में सिद्धार्थ शुक्ला, शहनाज गिल भी नहीं है। वो कहते हैं कि आसिम को इस ग्रुप में इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि वो ज्यादा बात नहीं करते हैं। ये ग्रुप सिर्फ उन लोगों के लिए है जो बात करने के शौकीन है, जिन्हें दिलचस्पी है ग्रुप में क्या मैसेज लिखा जा रहा है। बिग बॉस 13 के इस व्हाट्सएप ग्रुप में इन कंटेस्टेंट को छोड़कर बाकी सभी को जगह दी गई है। कुछ दिन पहले हिंदुस्तानी भाव ने इन कंटेस्टेंट के साथ एक पार्टी भी की थी। उस पार्टी में भी आसिम, सिद्धार्थ और शहनाज मौजूद नहीं थे। बता दें कि इस समय हिंदुस्तानी भाव दूसरे कारणों के चलते भी सुर्खियों में बने हुए हैं। उनकी पत्नी ने पुलिस को शिकायत की है कि उनकी बिल्डिंग में कुछ लोग अपने आप को हिंदुस्तानी भाव का रिश्तेदार बता रहे हैं। उनके मुताबिक ये लोग सिर्फ हिंदुस्तानी भाव की छवि खराब करने के लिए हैं। आप कमेंट करके बताएं कि हिंदुस्तानी भाव को आसिम रियाज को ऐड करना चाहिए था या नहीं। खबर अच्छी लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।